अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम होता क्या है भाई? जब भी कोई चीज़ सर्कल में मोशन करेगी तो उसके पास एक मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को क्या बोलते हो? एंगुलर मोमेंटम। या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करेगी तो उसके पास एक क्वांटिटी होगी मोशन की, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगी ये बात ज़िंदगी भर। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करेगी तो उसके पास एक क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, यानी कुछ क्वांटिटी होगी मोशन की, उस क्वांटिटी को कहा जाएगा एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल बात। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम पता क्यों करते हैं भाई? एंगुलर मोमेंटम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, यानी हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा किसी भी सर्कल में मोशन करती हुई चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, अभी आपको एंगुलर मोमेंटम बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर एंगुलर मोमेंटम कम होगा तो आपके पास टॉर्क कम लगाना होगा ताकि उस चीज़ को हम सर्कल में रोक लें। अब इसको ज़्यादा डिटेल में जाके समझते हैं भाई। देखो, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर हमें जो है वो ये बात बताई जा रही है कि सबसे पहले समझो एंगुलर मोमेंटम आता कैसे है, दिखता कैसे है। ये चीज़ें, ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये सर्कल है। इस सर्कल में समझ लो आपके पास ये एक पॉइंट है, या समझ लो ये एक मास है, ठीक है, ये एक आपके पास मास है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। ये क्या हो गया आपके पास? ओरिजिन या सेंटर हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये आगे की तरफ मोशन कर रही है ना, तो इसके पास क्या होगी? इसके पास वेलोसिटी होगी भाई। हम सबको ये बात पता है कि अगर कोई चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है, इसके पास वेलोसिटी होगी। अच्छा, वेलोसिटी तो है, लेकिन इसके पास मास भी है, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके पास मास भी होगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया? एम और वी। अब ये एम और वी क्या होता है? हाँ, एम और वी आपके पास होता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कैसे आया? आपको पता चल गया कि भाई जब कोई चीज़ सर्कमफेरेंस पे मूव कर रही है, यानी वो बेसिकली एक डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आप इस डिस्टेंस को, जो कि यूं करके बना हुआ है ना, यूं करके ले लो भाई, है तो डिस्टेंस ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, चाहे तो इसको सीधा करके रख लो भाई। अक्सर आपके पास होता है ना, कोई चीज़ मुड़ी हुई होती है, आप उसको सीधा कर देते हो तो लेंथ तो सेम रहती है, उसकी लेंथ तो तब्दील नहीं हो जाती। तो इसी तरह से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इसको सीधा करने के बाद भी 3 मीटर ही रहेगा, ठीक है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करोगे तो कुछ वेलोसिटी भी चाहिए होगी। याद रखना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर ही होती है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये आ गया आपके पास एम और वी, एम वी आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे बनता है? एम वी आ गया आपके पास, लेकिन इस एम वी के साथ अगर इस आर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक लीनियर मोमेंटम, आपके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? ये क्या था आपके पास? एम वी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी, आर को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने आर को पहले लिख लिया। तो ये आपके पास क्या बन गया? क्रॉस प्रोडक्ट बन गया ये आपके पास, आर क्रॉस पी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये बात समझ में आ गई। देखो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो एम वी आर करके लिख दो या आर एम वी लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे ना, तो आर को पहले रखना, पी को बाद में। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप जो है वो आर पी को पहले रखोगे और आर को बाद में रखोगे, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ फिर माइनस भी आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है, हमेशा आर क्रॉस पी लिखना, लेकिन अगर आप पी क्रॉस आर लिख रहे हो तो वो इक्वल नहीं होगा आर क्रॉस पी के, ठीक है, बात याद रहेगी। अब मैंने यहाँ पर बना तो दिया, आर भी बना दिया, पी भी बना दिया, अब एंगुलर मोमेंटम नहीं बना रहा मैं,
क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसके परपेंडिकुलर है। अब बोट 2D है, बोट पर एंगुलर मोमेंटम नहीं बनाया जा सकता, तो इसीलिए आपके पास बराबर में डायग्राम चल रही है जिसमें आपको एंगुलर मोमेंटम नज़र आ रहा होगा। मैं अगर इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर दूं कि ये आपके पास आ गया आर, ये आ गया आपके पास पी, ठीक है, तो यहाँ नीचे परपेंडिकुलर आएगा आपके पास एल, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। लेकिन अगर इसको थोड़ा और बेहतर करना चाहो, यानी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा डिवेलप करना चाहो, तो पी को यहीं पे रख लो, आर को इधर से उठाकर उस तरफ ले जाओ और एल को यूं बना लो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 90 का एंगल है, यहाँ भी 90 का एंगल है, यहाँ भी 90 का एंगल है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो एंगुलर मोमेंटम रेडियस के पैरेलल होता है। बात समझ में आ रही है? एंगुलर मोमेंटम कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये बाहर के लिए बनाई है। आपके पास जो तस्वीर चल रही है उससे आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या कहा था शुरू में, उस बात को ज़रा दोबारा याद करो कि मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लेकिन वो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो सर्कल में मौजूद है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से बात पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो ये भी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है। इसी को हमने एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि एम वी, इसको हमने एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लीनियर के लिए है, याद रखना, ये आपके पास लीनियर मोशन के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आप एंगुलर मोशन की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा आर क्रॉस पी एंगुलर मोशन। क्यों? क्योंकि आपके पास अब आर भी मौजूद है, ठीक है। सर्कल में जब आप मोशन करते हो तो लीनियर की जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाती हैं, फिर आप लीनियर की जो चीज़ें हैं उनका एनालॉगी इस्तेमाल कर रहे होते हो। अभी मैं आपको एनालॉगीज लिखवा दूंगा और बता भी दूंगा क्या होती है। अच्छा, ये लिख लो, या आप ये भी लिख सकते हो एम वी आर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे को कहा जा रहा है इसमें ना, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में ना एक चीज़ और भी बनेगी, वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा था ना एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होती है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। इस आर को मैं थोड़ा सा आगे करके एंगुलर वेलोसिटी को इसकी जगह पे ले, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये आर हो गया आपका, ठीक है, बात ही आपको समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। तो देखो, मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिया है, मैंने एंगुलर मोमेंटम के साथ ही इस टॉपिक को पढ़ दिया है। जो मैंने बात करी है समझ लो, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने उसे ऑब्जेक्ट कहा था, लेकिन जब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक पार्टिकल था। तो इसी तरह मैंने यहाँ भी यही चीज़ करी कि मैं एक ऑब्जेक्ट कह रहा था आपको, अब समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पार्टिकल है। तो जो चीज़ मैंने आपको ऑब्जेक्ट के लिए बताई वो सब सेम रहेगी पार्टिकल के लिए भी, पार्टिकल भी वही चीज़ कर रहा होगा जो मैं ऑब्जेक्ट का नाम लेके बता रहा था आपको, ये कुछ और नया नहीं है, वही पुरानी चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? ये किसी भी चीज़ की खासियत है, यानी कोई भी चीज़ अगर सर्कल में मूव करेगी तो उसमें ये खासियत देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो और उसके पास एंगुलर मोमेंटम ना हो, ठीक है। ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। एंड इट्स डिपेंड, अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी सर्कल में रोटेट करते हुए, जब भी ये रोटेटिंग का वर्ड आए इसका मतलब समझ जाना कि सर्कल में कोई चीज़ रोटेट कर रही है ऑब्जेक्ट की। अच्छा, ये चीज़, ये एंगुलर मोमेंटम किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। रोटेशनल स्पीड, जब रोटेशनल स्पीड की बात की जा रही है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर वी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। अब इन्होंने रोटेशनल स्पीड कहा है, इधर वर्ड इस्तेमाल किया है रोटेशनल स्पीड का, तो रोटेशनल स्पीड से कन्फ्यूज़ नहीं होना, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, ये वी ही है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी एम पर,
यानी मास कितना है उसका अराउंड इट्स एक्सिस, जो कि उसके एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, ये उसका एक्सिस, एक्सिस से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस या आर हो गया आपके पास। अच्छा, इस ही आर को ना आप मूवमेंट आर्म भी लिखा हुआ पढ़ोगे, मूवमेंट आर्म भी लिखा हुआ बहुत जगह पे पढ़ोगे, तो इसको लिख लो। अब इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ कि एल क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आर क्या है, वो आर मैंने लिख दिया। पी क्या है आपके पास, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम कैसे आया मैंने आपको अभी बता दिया कि वो जो कर्व पाथ है अगर आप उसको स्ट्रेट करके ले लो तो वो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर बात रुकती नहीं है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, एक फार्मूला ये वाला और इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला ये वाला ड्राइव हुआ है। लेकिन इसका एक तीसरा फार्मूला भी होता है जो कि होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक, सॉरी आई ओमेगा। हाँ, अब एल तो वही है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको अपने पास लिख लेना, ये बहुत यूज़ होता है एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, आई क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपके पास। अच्छा, डब्ल्यू क्या हो गया, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपके पास, या फ्रीक्वेंसी भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है आपके पास। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी डेप्थ यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास इसका यूज़ होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो, एंगुलर मोमेंटम मैंने दो चीज़ का प्रोडक्ट लिखा, आई ओमेगा का, यहाँ पर मैंने लीनियर मोमेंटम को भी दो चीज़ का प्रोडक्ट लिखा था, एम और वी। तो जो काम यहाँ पर एम कर रहा है, यानी जो काम लीनियर मोमेंटम में एम कर रहा है, वो काम एंगुलर मोमेंटम में ओमेगा कर रहा है, यहाँ लिख लो। ये हो गई आपके पास एनालॉगी, एनालॉगी, ये हो गई आपके पास एनालॉगी। अब एनालॉगी क्या होती है, एनालॉगी वो चीज़ होती है कि अगर मेरे पास लीनियर मोमेंटम में डिस्टेंस होता है कवर, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या कवर हो रहा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जो काम, अगर कोई चीज़ लीनियर मोमेंटम में जो काम कर रही है उससे मिलता जुलता काम कोई और चीज़ जो है वो एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर रोटेशन में क्या कर रही है। अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको मैं थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, लीनियर मोमेंटम में आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है आपके पास, लीनियर मोमेंटम में आपके पास डिस्टेंस है, या चलो इसको और आसान कर लेते हैं, लीनियर मोशन में आपके पास क्या होता है, लीनियर मोशन में आपके पास डिस्टेंस होता है। रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस से मिलती भी चीज़, मिलती जुलती चीज़ क्या होती है, हाँ बिल्कुल सही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो वैसे डिस्प्लेसमेंट से बात समझ आ रही होगी। अच्छा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एनालॉगी का मतलब ये होता है कि अगर किसी और सिस्टम में कोई चीज़ मौजूद है आपके पास, उसी से मिलती जुलती चीज़ दूसरे सिस्टम में क्या है, कहते ना केक ले आओ, अब एक दुकान पे आपको मिल रहा है चॉकलेट केक, और दूसरी दुकान में उसी से मिलता जुलता दूसरा चॉकलेट केक मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, एक दूसरे की एनालॉगी, यानी मिलती जुलती चीज़ें मगर मुख्तलिफ सिस्टम में, सिस्टम सेम नहीं होगा, वहाँ पर मोशन लीनियर था, यानी वहाँ पर सिस्टम लीनियर था, यहाँ पर सिस्टम सर्कुलर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बात याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। अच्छा, मैंने कहा कि लीनियर मोशन में आपके पास मास होगा, एंगुलर सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या चीज़ होगी जो कि मास जैसा काम कर रही होगी, मास नहीं होगा वो, लेकिन कोई और चीज़ होगी जो उस जैसा काम कर रही होगी, हाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान पूछता हूँ आप लोगों से मैं, लीनियर मोशन में आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी से मिलती जुलती चीज़ होगी, रेडियन पर सेकेंड कहा जाता है उसे, बिल्कुल सही, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी जो काम आपके पास लीनियर वेलोसिटी, जो काम आपके पास लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में कर रही होगी,
वही काम आपके पास एंगुलर वेलोसिटी उससे मिलता जुलता काम या उस जैसा काम आपके पास एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कर रही होगी। अब आखिरी चीज़ पूछता हूँ, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। मेरे पास लीनियर सिस्टम में होता है फोर्स जो कि एक्सेलरेशन पैदा करती है, इससे मिलता जुलता काम सर्कुलर सिस्टम में कौन कर रहा होता है, ये मुझे आप बताओ। मैं बता दूंगा लेकिन सोचो ज़रा, सर्च करो, सोचो, दिमाग लगाओ। भाई लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ानी है मुझे फोर्स चाहिए होती है, लेकिन सर्कुलर एक्सेलरेशन अगर मुझे बढ़ानी है तो फोर्स तो नहीं लगाऊंगा। सर्कुलर एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ानी है फोर्स तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि फोर्स तो लीनियर सिस्टम के लिए है। मुझे सर्कल में अगर जो है अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, टॉर्क लगाऊंगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात, टॉर्क। अब मेरा टॉर्क थोड़ा जिम टाइप का होता है लेकिन ये इसको ऐसा कर देता हूँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास F, और आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूले बन रहे होंगे ना एक दूसरे से ही मिलके बन रहे होंगे। जैसे देखो V में ओमेगा मौजूद, F में जो है वो मौजूद, थीटा मौजूद, या टॉर्क में F मौजूद। ठीक है, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो। अगर मेरे पास लीनियर सिस्टम में A है, लीनियर सिस्टम में एक्सेलरेशन जो है मेरे पास ये है A है, तो एंगुलर सिस्टम में इससे मिलती जुलती चीज़ क्या होगी विथ फॉर्मूला बताना, ये भी बताना, और A का क्या रिलेशन है उसके साथ ये भी बताना। दो चीज़ें मुझे बताना आप, ठीक है, दोनों चीज़ें मुझे बताना। मैंने समझा दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ एंगुलर मोमेंटम आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यहीं पे वीडियो रोकूंगा। अच्छा, यूनिट मैंने इसका नहीं बताया, यूनिट मैं इसका बता देता हूँ आपको। तो देखो भाई, यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। दो यूनिट हो सकते हैं इसके, यूनिट इसके दो हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, यूनिट इसके आपके पास दो हो सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकेंड आपके पास आ गया किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से, लीनियर मोमेंटम की वजह से, और आर आ गया आपका, एम आ गया आपका रेडियस की वजह से। लेकिन अगर इसका आसान करके यूनिट लिखोगे तो ये बनता है इसका कि एम है तो मीटर, ये भी आर है तो मीटर। चलो मैं थोड़ा इसको ना आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। एम है आपके पास यानी केजी, वेलोसिटी है आपके पास यानी मीटर सेकेंड, और एम आर है आपके पास यानी मीटर। तो आपके पास यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दो यूनिट होते हैं इसके इस तरह से। इसको अगर खोलोगे ना तो भी यही बन जाएगा आपके पास, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो अच्छी समझ में आ गई होगी। ये मैंने दो यूनिट भी इसके लिखवा दिए हैं। अक्सर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में ना ये वाला यूनिट पूछ लिया जाता है, ये तो आप लोग ड्राइव कर ही लेते हो, और इससे भी अगर यूनिट निकालोगे ना तो यही दो निकल कर आएंगे आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी है ये याद रखना, मैंने यहाँ वेक्टर फॉर्म इसकी लिख दी है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट में मैं ना आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिटेल में चला जाता हूँ ताकि फिर आपको शुरू की बात भी याद हो जाए और फिर जो वो डिटेल में जाकर बात करिए वो भी याद हो जाए। इसके बाद करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और चीज़ मैं बताऊँ, छोटी सी बात बिल्कुल, कि जब आप साइकिल चलाते हो ना तो आपके पास जो है अगर साइकिल रुकी हुई हो तो वो गिर जाती है, लेकिन अगर साइकिल चल रही हो सीधी तो वो नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ मोशन आ जाती है, और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कोशिश करती है कि चीज़ को अपने डायरेक्शन में मोशन कराती रहे। तो साइकिल के कॉन्सेप्ट से इसे बहुत अच्छा समझा जा सकता है। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक साइकिल है, थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। मेरे पास ये एक साइकिल है, बहुत सस्ती वाली है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये एक साइकिल है, अगर मैं ये साइकिल खड़ा हुआ हूँ तो गिर जाएगी ये, अगर पाँव मैंने दोनों पैडल पर रखे, ठीक है, अगर दोनों में पाँव में पैडल पर रखूँगा तो ये गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं इस साइकिल को चला रहा हूँ तो ये नहीं गिरती। बाइक भी ऐसा ही है, दो पहियों की होती है लेकिन वो नहीं गिरती, तेज़ चल रही होती है फिर भी नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि उसके पास मोशन, एक मोशन वाली क्वांटिटी आ जाती है, एक ऐसी क्वांटिटी आ जाती है जो उसको मोशन कराते रहती है। तो जब कोई चीज़ मोशन करेगी तो क्यों गिरेगी, समझने वाली बात है ना। हाँ, अगर आप उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करोगे, मतलब उसको ज़्यादा यूँ झुकाओगे, उसको ज़्यादा इस तरफ झुकाओगे तो उसने गिरना है। लेकिन अगर सीधा बैठे रहोगे तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा,
और आपकी बॉडी जो है वो, यानी आपकी साइकिल जो है वो आगे की तरफ चलती रहेगी। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी गिनती दुआ में जरूर याद।